चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 12, अपन चीज की पीड़ा। इसका अर्थ है अपनी वस्तु की पीड़ा, जिसके लेखक हैं संकलित। तो देखो बच्चों, किसी गांव में परशुराम नाम का एक व्यक्ति था। उसके पास 200 गाय बछड़े थे। वह अत्यंत ही घमंडी और उत्पाती था तथा अकड़ स्वभाव का व्यक्ति था। परशुराम से ज़्यादा उत्पाती उसकी एक गाय गोदावरी थी। वह लाल रंग की मोटी, ताजी, बड़े बड़े सींगों वाली, अच्छी दूध देने वाली गाय थी। वह दिन भर दूसरों के खेती बाड़ी को चरती थी। परशुराम की पत्नी दशरी भी गाय के दूध के पैसों से बहुत से आभूषण पहनती थी। और दशरी भी अपने पति के समान स्वभाव वाली थी, परंतु उनका बेटा रमेश्वर अलग स्वभाव का था। वह ईमानदार था और दूसरों की पीड़ा को समझने वाला था, इसलिए उसकी अपने माता पिता से बिल्कुल नहीं बनती थी। और परशुराम के पास 200 गाय थे, परंतु गोदावरी अकड़ स्वभाव की थी। वह घर पर न रहकर रात के समय दूसरों की खेती बाड़ी को चरकर उन्हें नुकसान पहुंचाती थी। परशुराम उसे रात में खुला छोड़ देते थे और वह हमेशा अपने हाथ में लाठी रखकर दूसरों को डराता धमकाता था। उनके गांव वाले गोदावरी गाय की शिकायत लेकर परशुराम के पास आते थे। वह उन्हें धमकाकर भगा देता था और कहता था कि वे पहले गोदावरी को अपने खेत बाड़ी में चरते हुए पकड़ कर दिखाएं। उनके पड़ोसी रुपऊ के समान भी अन्य पड़ोसी भी गोदावरी के गाय चरने से परेशान थी। रात के समय गोदावरी अपने लंबे सींगों से खेती बाड़ी का किवाड़ खोलकर साग भाजी चट कर देती। रुपऊ की शिकायत अनसुनी होने पर उसने गोदावरी को चरते हुए रंगे हाथ पकड़ने का निश्चय किया। परशुराम की गाय को पकड़ने के लिए रुपऊ ने एक उपाय किया। उसने अपने बाड़ी के दरवाजे पर एक गड्ढा खोदकर उसे पत्ते से ढक दिया। वह गड्ढा दूर से बराबर दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को सभी सोने पर परशुराम ने अपनी गाय को गोदावरी को बाहर चरने के लिए खुला छोड़ दिया। रोज की तरह गोदावरी रात में रुपऊ की बाड़ी में चरने गई और उसके द्वारा खोदे गए गड्ढे में गिर गई। अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। रात में बाड़ी के अंदर झोपड़ी में आग ताप रहे पहरेदारी करते हुए बाड़ी के मालिक जो रुपऊ हैं को गाय की चिल्लाने की आवाज़ से पता चला कि गाय गड्ढे में गिर गई है। आज उसने गाय की चोरी करते हुए पकड़ लिया है। वह झोपड़ी से बाहर आए और सुबह होते ही परस की पत्नी दशरी ने गाय को कोठे में नहीं देखकर अपने पति को बताया कि गोदावरी रात में घर नहीं आई है, शायद उसे किसी ने बांध कर रख लिया है। परशुराम ने कहा, गोदावरी को बांधने की किसी की हिम्मत नहीं है। सुबह बाड़ी की तरफ से दैनिक क्रिया की आने जाने वाले ग्रामीण ने गोदावरी को फंसे देखा तो वे बहुत खुश हुए, क्योंकि परशुराम के इस चोरनी गाय ने उनके खेती बाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। आज रुपऊ ने उसे पकड़ लिया है और गाय को फंसा देख कर गाँव वाले के सामने परशुराम तथा दशरी भी अपराधी की तरह चुप ही रहे। गाँव वाले ने वहीं पंचायत बैठाई और पंचों ने गाय के मालिक को 200 रुपए का दंड दिया और दंड की राशि पटाकर परस अपने गाय को छुड़ाकर घर ले गया। आज तक वह दूसरों की का ही नुकसान करता रहा। उसे केवल अपने से मतलब था, दूसरों की पीड़ा की उसे चिंता नहीं थी। आज उसने गांव वालों के सामने कसम खाई कि वह अब अपने गाय को खुला नहीं छोड़ेगा तथा दूसरों का नुकसान नहीं करेगा। पंचायत होने के कुछ दिनों तक परस तथा दशरी ने गाय को रात को घर में कोठे में ही बांध कर रखा। गाय को खुला चरने की आदत थी और घर के चारों से उसका पेट नहीं भरता था। अब वह दुबली होने लगी, दूध भी कम देने लगी, दशरी भी दुबली होने लगी। परस
राम की भी चिंता रहने लगा। आखिर एक दिन हिम्मत करके उन्होंने गोदावरी को चरने के लिए खुला छोड़ दिया। उनके बेटे रमेश्वर को यह बात बुरी लगी। वह किसी दूसरे का नुकसान नहीं चाहता था। उसका अपने माता पिता से इसी बात पर झगड़ा हो गया, परंतु उसके माता पिता ने उसे डांट टपट कर चुप करा दिया। अब रमेश्वर अपने माँ बाप को सबक सिखाने का निश्चय किया। 8 दिन बाद गांव में मेला हुआ। सब लोग मड़ई देखने गए। वहाँ नृत्य का कार्यक्रम रात में था। रमेश्वर जानबूझकर नृत्य देखने रात में नहीं गया और घर पर ही रुक गया। उसने कुछ और सोच रखा था। वह अपने माता पिता को सबक सिखाने की योजना बनाने लगा। जब सब चले गए तब वह रमेश्वर रात में उठा और अपने घर के सब गाय को और बछड़ों को खोल दिया और अपने ही बाड़ी में चरने के लिए छोड़ दिया। रात भर उसके गाय बछड़ों ने अपनी ही बाड़ी में भाटा, मिर्ची, सेम, धनिया आदि खूब खूब जमकर खाया और पैरों तले रौंद कर बर्बाद कर दिया। सुबह होने के पहले ही रमेशन ने अपने सभी जानवरों को वापस घर के कोठे में लाकर बांध दिया और अपने कमरे में चुपचाप सो गया। सुबह जब परशुराम बाड़ी की ओर गया तो बाड़ी की हालत देखकर चौंक गया। उसने दशरी को भी बाड़ी के फसलों को नुकसान हुआ दिखाया। दशरी अड़ोसी पड़ोसी को गाली के द्वारा श्राप देने लगी। इधर रमेश्वर खाट से उठा और कहा कि आप किसे श्राप दे रहे हो? बाड़ी के फसलों को नुकसान मैंने ही पहुंचाया है। मैंने ही अपने घर के जानवरों को अपनी बाड़ी में चरने के लिए खुला छोड़ दिया। दरअसल मैं आप लोगों को सबक सिखाना चाहता था कि दूसरों का नुकसान होता है तो उन्हें कैसी पीड़ा होगी। आज आप लोगों को नुकसान हुआ तो पता चला कि पीड़ा क्या होती है। सभी की पीड़ा एक ही होती है। परशुराम और दशरी को अपनी भूल का एहसास हो गया और वे अपने को अपराधी महसूस करने लगे। उन्हें उनके बेटे ने ही सबक सिखाया। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नाही अदमाई। अर्थात दूसरों की भलाई करने से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। दूसरों को पीड़ा कष्ट पहुंचाने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस प्रकार हमें दूसरों का जो दर्द है वह अपने दर्द के समान ही समझना चाहिए। धन्यवाद।